जूडो, ऐसा खेल जिसमें गोल्ड मेडल जीतने के लिए आपको शारीरिक रूप से मजबूत, तकनीकी रूप से योग्य और रणनीति बनाने में महारत हासिल होनी चाहिए। जूडो खेल की शुरुआत जापान से हुई। जूडो में जीत के लिए विरोधी खिलाड़ी को उठाकर फेंकना और जमीन पर पटकना शामिल है। जूडो खिलाड़ियों को जूडोका यानी जूडो का प्रदर्शन करने वाला कहा जाता है। जिस मैट पर जूडो का मैच खेला जाता है उसे एटाटामी कहा जाता है। जूडो में एक बाउट यानी एक मुकाबला 4 मिनट चलता है। निर्धारित समय तक पॉइंट बराबर रहने पर खेल तब तक जारी रहता है जब तक कि कोई एक जूडोका पॉइंट हासिल ना कर ले। इस पॉइंट को गोल्डन स्कोर कहते हैं। जूडो में 2 तरह के पॉइंट मिलते हैं। पहला इप्पॉन, जिसमें खेल फौरन रोक दिया जाता है। इप्पॉन तब मिलता है जब एक जूडोका विपक्षी जूडोका को पीठ के बल मैट पर पटक दे और विपक्षी जूडोका के कंधे मैट से टच हो जाए या विपक्षी खिलाड़ी को लगातार 20 सेकंड तक मैट पर पटके रहे, चोक कर दे या आर्म लॉक कर दे और विपक्षी खिलाड़ी को खेल रोकने की अपील के लिए मजबूर कर दे। दूसरा है 2 वजारी हासिल करते ही मैच खत्म हो सकता है। इसमें जूडोका विरोधी को कम ताकत और कंट्रोल के साथ पटक भी दे और विपक्षी जूडोका पूरी तरह पीठ के बल मैट पर ना गिरे। विपक्षी जूडोका को 10 से 20 सेकंड तक जमीन पर टिकाए रखने के लिए वजारी हासिल होता है। जूडो में नियम तोड़ने पर शिडो यानी पेनल्टी भी लगाई जाती है। एक मुकाबले में 3 पेनल्टी मिलने पर जूडोका को डिस्क्वालिफाई कर दिया जाता है। जूडोका 2 तकनीक में माहिर होते हैं, दाए सवाकी और कतामेवाजा। दाए सवाकी में जूडोका विरोधी के शरीर पर कंट्रोल करते हुए उसे तेजी से गोल घुमाता है। इसका मकसद विपक्षी का बैलेंस बिगाड़कर उन्हें पटकना होता है, जबकि कतामेवाजा मैट पर लगाए दाव पेच से जुड़ा है। विपक्षी को मैट पर चित करने के बाद होल्डिंग, चोकिंग और जॉइंट लॉक की 29 अलग अलग तकनीक है।